Hello friends, welcome back to my channel. Today I want to share with you a very delicious mango rasgulla recipe. It's a very short time consuming and simple recipe. So let's get started. First of all, आपको चाहिए छेना. तो मैं यहाँ पर एक लीटर दूध में लेमन जूस डाल के छेना तैयार करी हूँ. आप विनीगर भी यूज़ कर सकते हो. छेना बनाने के बाद ठंडे पानी से उसे अच्छे से वॉश करना है. एक कॉटन का कपड़ा में सारा पानी छान के ऐसे 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देना है. तो इसमें जो सारा पानी है वो सब निकल जाएगा. अब आपको चाहिए मैंगो. ऐसे मीडियम साइज का तो मैंगो लेना है जिसमें रेसे कम हो और पल्प ज़्यादा हो. इसके छिलका निकाल के सारा पल्प अच्छे से निकलना है. उसके बाद इस पल्प को छान लेना है जैसे सारे जो थोड़ा बहुत रेसा है वो निकल जाए. थोड़े देर के लिए इस पल्प को पकाना है तो इसमें इसका जो खट्टापन है वो सब चला जाएगा. अब मैं साइड बाय साइड छेने को मैश कर लूँगी. तो आप जितना अच्छे से मैश करेंगे तो आपका रसगुल्ले उतना ही स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनेगा. तो हाथों से मदद से ऐसे ही आपको स्मैश करना है. देखिए उबाल आ चुका है तो मैं गैस ऑफ कर दूंगी और इसमें से आधा डालेंगे छेने में. लेंगे 2 चम्मच मैदा. तो सारे इंग्रेडिएंट को एक साथ मिक्स कर लेंगे. मैदा थोड़ा थोड़ा करके यूज़ कीजिएगा क्योंकि मैदा एकदम कम से कम ही यूज़ करना है. देखिए मेरा मिक्स तैयार है. मैदा थोड़ा बच गया है तो सिरप के लिए मैं इस कप से 1 कप चीनी डालूँगी और जो आधा पल्प था उसमें, और 2 कप से थोड़ा ज़्यादा पानी डालेंगे. रसगुल्ले शुगर सिरप में ही पकता है इसीलिए शुगर सिरप का जो कंसिस्टेंसी है वो एकदम ही पतला रखना है. अब अगर आपको लगे कि उसका कंसिस्टेंसी गाढ़ा हो गया है तो आपको फिर से पानी ऐड करना है. तो देखिए मेरा रसगुल्ले हाथों से थोड़ा थोड़ा करके मैं बॉल बना रही हूँ. तो दोनों हाथ से आपको बनाना है. सिरप में देखिए ऐसे थोड़ा झाग आएगा तो इसे आपको छान लेना है. उसके बाद मैं रसगुल्लों को एक एक करके छोड़ रही हूँ. इस टाइम आपको टेम्परेचर एकदम हाई रखना है और शुगर कंसिस्टेंसी भी देखना है और ढक्कन लगा के छोड़ देना है. तो देखिए मेरा रसगुल्ले लगभग तैयार है. 10 से 15 मिनट लगेगा. 15 मिनट एकदम ही ठीक ठाक टाइम है रसगुल्ला पक जाने के लिए. तो आपका देख के ही पता चलेगा ये डबल साइज हो जाएगा फुल के. तो देखिए कितना नरम रसगुल्ला मेरा बन के तैयार है. अब भी घर में बनाइए, सबको खिलाइए. और अगर आपको इस रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.